दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। कसौली क्षेत्र के सुभाथू में उप तहसील व सीएचसी को डीनोटिफाई करने पर प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने सुक्खू सरकार के खिलाफ सुभाथू गुग्गा माड़ी मंदिर से ठाकुर द्वारा मंदिर तक जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह व विधायक पद के लिए जीते विनोद सुल्तानपुरी होश में आओ के नारे लगाए। रोष रैली के दौरान महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी मौजूद रही। इस दौरान पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि वर्तमान सरकार जन विरोधी फैसलों से लोगों की सभी सुविधाओं को डीनोटिफाई करने में पड़ी है, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हैरत है कि जनता ने जिसे कसौली में विधायक चुना है वो भी सरकार के इन फैसलों पर मौन दिख रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कसौली निर्वाचन क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता अपना रोष प्रकट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सुभाथू कस्बे में हमने एक रोष मार्च हमने निकाला है और उसके बाद फिर सब लोगों ने एक जो दुख है पूरे हमारे इस इलाके में कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो संस्थान निर्वाचन क्षेत्र में खोले थे वो सब संस्थान बंद कर दिए। हमारे सुभाथू में क्योंकि सुभाथू को तहसील का दर्जा दिया गया था, इसलिए दिया गया था क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की ये मांग थी और सुभाथू निवासियों की भी ये मांग थी कि ये एक बहुत प्राचीन व्यापारी केंद्र रहा है प्रदेश का, इसका दर्जा जो है वो तहसील का होना चाहिए। हम ठाकुर जयराम जी का धन्यवाद करते हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने इसको उप तहसील का दर्जा उन्होंने दिया था। स्टाफ आ गया था, काम करना शुरू कर दिया था, लोगों को सुविधा मिलनी शुरू हो गई थी। अब दोबारा फिर लोगों को सोलन के चक्कर लगाने पड़े, तो एक बहुत बड़ा जनविरोधी निर्णय है जो सरकार ने लिया है तहसील को बंद करने का। साथ ही साथ हमारी जो पीएससी है सुभाथू उसका दर्जा बढ़ाया गया था हमारी सरकार के द्वारा और उसको सीएससी किया गया। अच्छा तो ये होता कि वहाँ पर और उसको जो है उसमें सुविधाएं सरकार जो है देती और विधायक जो है हमारे इस निर्वाचन क्षेत्र के सुल्तानपुरी जी पहुँच के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब ये दो संस्थान बंद किए जाते हैं वो भी चुप रहते हैं। अब आम जनता को जिन संस्थानों से लाभ मिलना था वो संस्थान बंद कर दिए जाएंगे तो सरकार की मंशा क्या है? कोई भी नई सरकार बनती है तो नए संस्थान खुलते हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी तो इन्होंने अपनी शुरुआत जो है उस संस्थानों को बंद करने से शुरू, लोगों को कष्ट देने से इन्होंने अपना कार्यकाल जो है शुरू किया है। साथ ही साथ हमारा जबल जमरोड़ की हमारी आईटीआई जो है वो बंद कर दी गई है, 6 स्वास्थ्य उपकेंद्र हमारे निर्वाचन क्षेत्र में बंद कर दिए गए जो हमारी सरकार ने, 2 पशु चिकित्सालय हमारे निर्वाचन क्षेत्र के अंदर बंद कर दिए गए, 1 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र परमाणु सेक्टर 4 में शुरू हुआ था और उसको भी बंद कर दिया गया है। स्टाफ आ गया था, काम करना शुरू कर दिया गया था, बहाना ये लगाया कि सरकार ने बजट का प्रोविजन नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जो कर्मचारी वहाँ भेजे गए थे उनकी सैलरी जो है वो कहाँ से ड्रॉ हो रही? बजट में प्रोविजन था इसीलिए उनकी सैलरी जो है ड्रॉ हो रही, क्योंकि संस्थान खोलने से पहले उनकी सैलरी का प्रोविजन जो है बजट में किया गया। तो ये एक कोरी एक झूठ है सरासर जो है, लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास जो है सरकार कर रही है और मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये संस्थान जो है दोबारा से खोले जाए, नहीं तो ये आंदोलन आज तो ये सांकेतिक धरना था, सिंबॉलिक एक प्रोटेस्ट था, लेकिन ये दिन प्रतिदिन ये आंदोलन जो है वो और तेज होगा, तीव्र होगा। हम घर घर जाएंगे, हम लोगों को जगाएंगे और साथ ही इतने अरमानों के साथ जिस विधायक को इस निर्वाचन क्षेत्र ने चुना वो चुप हैं इन जनविरोधी निर्णयों के ऊपर। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता के हित के लिए दोबारा से इन संस्थानों को शुरू करें, अगर नहीं करते तो हमारे पास आंदोलन का रास्ता है और हम ये आंदोलन करेंगे। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इसमें ये सच्चाई है कि भाजपा ने जो भी फैसले लिए थे और कांग्रेस की जो आने वाली जो हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री है श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इसने 900 संस्थानों को डीनोटिफाइड किया है, वो इसलिए किया गया उसके पीछे एक रीजन है। एक गहरी मीटिंग शिमला में हुई है रात को 3 बजे तक अफसरों के साथ, और उन लोगों से जब ये पूछा गया कि किस किस संस्थान के लिए बजट है, कहीं ज़मीन का प्रावधान है, तो वो चीज़ें हमें जो है प्रॉपर तरीके से बताई जाए, लेकिन उसमें ये चीज़ें ना किसी को ज़मीन का प्रावधान था। जैसे आप सुभाथू ले लो, पटवार सर्कल हुआ, अभी तक ये पता नहीं है कि उसमें कौन कौन से पटवार सर्कल इस सब तहसील में जाने वाले थे, लोगों को यही पता नहीं है। लोगों के ओपिनियन, लोग खुद परेशान हैं,
क्योंकि ये जो फैसले वो आनन फनन में लिए गए। अफसरों ने खुद कहा है कि ये जो फैसले लिए गए, उन्होंने कहा कि धड़ाधड़ हम जो बोल रहे हैं वो आप करो। तो जब उन्होंने कहा कि बगैर बजट के हम किस तरीके से इस चीज़ को कैसे कर पाएंगे, तो जितना भी हिमाचल प्रदेश के जो ब्यूरोक्रेसी थी उन लोगों ने उस मीटिंग में एक शब्द स्पष्ट कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो 5 साल होंगे, हम कोशिश करेंगे हो जाएंगे, और अगर नहीं आती है तो कांग्रेस के गले पड़ेंगे। ये तो सार्वजनिक है। तो इसका मतलब है कि ये सारी जनता समझती है कि ये जो फैसले लिए गए थे ये सिर्फ जो है लोगों को वोट हासिल करने के लिए लिए गए थे, इसमें कोई ऐसा प्रावधान था। हाँ, ये समस्याएं हैं, सब चाहते हैं स्पाटू में कॉलेज हो, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा है, बीएससी का सीएससी हो, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से हो, उसके लिए बजट का प्रावधान हो। अब 900 करोड़ 78,000 करोड़ का ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश के ऊपर कर्ज है। अगर 5 साल में भी जो ये घोषणाएं हुई है, जो कि इन्होंने अप्रैल से लेकर और नवंबर तक की है, इसके लिए आप बजट देखो कितना लगेगा, तो कहाँ पे है बजट? ये जो फैसले हैं ये कांग्रेस गवर्नमेंट इसको करेगी, उसको जस्टिफाई करेगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी उन इंस्टीट्यूटों को बहाल भी किया जाएगा। इसके लिए रिव्यू कमेटी का भी प्रावधान किया गया, जिसको हर्षवर्धन चौहान शिलाई से उसके सदस्य बनाए गए हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे, आप स्पाटू से सोलन तक आओ, जगह जगह पे वो लगे, अगर एक हफ्ते बाद नोटिफिकेशन होती तो शायद 8-10 संस्थान यहाँ और खुल जाते। अब एक एक जो ब्रिक लगी है वो 20-25 रुपए की है, जो एक एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका ये उद्घाटन करने चाह रहे थे, वो भी बगैर बजट बगैर जमीन के प्रावधान के। तो आप सोचो कि पैसे का जो एक खुला मजाक कर रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुबाथू से कपिल गुप्ता की रिपोर्ट। गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित भूषण ज्वेलर्स में ग्राहकों के लिए आकर्षक डिजाइन युक्त ज्वेलरी उपलब्ध है। भूषण ज्वेलर्स में उपलब्ध आकर्षक डिजाइन युक्त आभूषण ग्राहकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। भूषण ज्वेलर्स आभूषणों की खरीद फरोख्त पर ग्राहकों को विशेष योजना भी उपलब्ध करवा रहा है। भूषण ज्वेलर ने गुणवत्ता और विश्वसनीयता के आधार पर हिमाचल प्रदेश सहित देश विदेश से ग्राहकों का दिल जीता है, जिसके लिए भूषण ज्वेलर्स को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है।